अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आमिर स्पीक्स। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ पीपीआई क्या होता है, यानी पिक्सल्स पर इंच। लेकिन उससे पहले हमें समझना है कि एग्जैक्टली पिक्सल्स क्या होते हैं। जब भी आप कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं या आप दो स्मार्टफोन्स को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर आपको एक रेजोल्यूशन बताया जाता है। एक रेजोल्यूशन आपको इस तरह बताया जाता है, लाइक 1080x1920x720x1280। ये जो है आपके पास एच डी रेजोल्यूशन है और यहाँ पर आपको फुल एच डी रेजोल्यूशन मिलता है। तो यार यहाँ पर एग्जैक्टली पिक्सल कुछ नहीं होता, एक छोटा सा डॉट होता है जिसके अंदर तीन किस्म की लाइट होती है, रेड, ब्लू और ग्रीन। आरजीबी का आपने नाम सुना हो तो ये बेसिकली तीन लाइट्स के नाम है। और एक पिक्सल जो आपके स्मार्टफोन में होता है उसके अंदर तीन लाइट्स आपको सपोर्ट करता है। इन्हीं तीन लाइट से कॉम्बिनेशन से जितने भी कलर्स हैं वो सारे के सारे कलर्स बनते हैं। और इन्हीं पिक्सल्स की मदद से आपकी जो स्क्रीन होती है वो आपको कुछ ना कुछ जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस करके देती है। अब आपने देखा होगा जितने भी स्मार्टफोन्स आपको मिलते हैं वो मोस्टली जो है वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं। अब आपको लेके चलता हूं मैं थोड़ा सा पीछे, यानी कि पढ़ाई के दौर में। तो वहां पर आपको याद होगा रेक्टेंगल जो होता था उसका एरिया जो निकालते थे हम, यानी उसका जो प्रॉपर एरिया होता था वो होता था लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लेंथ मल्टीप्लाई करते ब्रेथ के साथ आपको रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। लेकिन यहां पर जो एरिया है उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन, यानी कि 1920x1080 पिक्सल्स जो है ये आपका पूरा एक स्क्रीन का रेजोल्यूशन बनाते हैं। ये आपको फुल एचडी कहलाता है। इसके अलावा फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन होता है उसमें 1440x2023 को एक डिफरेंट किस्म के सीक्वेंस बनाती हैं कंपनीज एक अच्छी स्क्रीन को आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहां पर अगर आपने रेड कलर शो करना है तो यहां पर आपके पास रेड बिट ऑन करते हैं, अगर आपने ब्लू शो करना है तो आपके पास ब्लू बिट ऑन करते हैं, उसके बाद अगर आपने ग्रीन शो करना है तो आप ग्रीन बिट ऑन करते हैं, अगर आपने कुछ भी शो नहीं करना ब्लैक शो करना है तो यहां पर आप तीनों बिट्स बंद कर दें, और अगर आप व्हाइट शो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर तीनों बिट्स को ऑन करते हैं, कॉम्बिनेशन बनने के बाद व्हाइट कलर आपके पास शो हो जाएगा। तो ये तो सारी कहानी होगी पिक्सल्स की और रेजोल्यूशन की। तो यहाँ पर जो 1080 पिक्सल्स हैं वो आपकी ब्रेथ होगी और जो 1920 पिक्सल्स हैं वो आपकी हाइट होगी या लेंथ होगी। तो यहाँ पर एक रो के अंदर और एक कॉलम के अंदर ये आपको बताया जा रहा है। इसी तरह ये पूरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपके पास इस तरह के पिक्सल्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो स्क्रीन होती है अगर उनको बिट से कट कर दीजिए तो वो डायगोनल कहलाता है यहाँ पर हमारी स्क्रीन का। तो वही चीज जो होती है वो आपकी मेन स्क्रीन होती है, यानी कि 5.5 इंच की स्क्रीन है आपकी, 6.5 इंच की स्क्रीन है, या आपकी जो स्क्रीन है वो 6.6 इंच की, व्हाटएवर। तो यार ये पिक्सल जो है मेगापिक्सल्स कैसे बन जाते हैं, तो इनके लिए आपको सिंपली करना कुछ नहीं, जो आपकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन है, लेट सपोज आपकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन फुल एच डी है यानी 1080 पिक्सल्स है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है यानी कि जो हाइट है इस स्क्रीन की उसके अंदर पिक्सल जो आपको मिलते हैं 1920। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे तब आपके पास जो आंसर आएगा वो राउंड अबाउट 21 मिलियन होगा। तो यानी इसको आप 1 मिलियन से डिवाइड कर दे तो यहाँ पर आपके पास जो मेगापिक्सल्स बनते हैं वो बनते हैं 2.1 मेगापिक्सल्स। तो पीपीआई की तरफ जाने से पहले आपको मैं एक और ट्विस्ट लेके आता हूँ, यहाँ पर आपकी पढ़ाई की दौर की चीज आपको याद करवा देता हूँ। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम और उसके अंदर होता था ये था कि अगर आपको किसी ट्राइंगल की दो साइड्स पता हो, राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स पता हो तो यहाँ पर आप तीसरी निकाल सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसके जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री का, यानी बिल्कुल स्ट्रेट होता है। यहाँ पे हमारे स्मार्टफोन की जो स्क्रीन होती है वो 90 डिग्री पे ही होती है। जो इसका डायगोनल होता है हमें नहीं पता होता, लेकिन इसकी जो बेस होती है वो हमें पता होती है। यानी यहाँ पर 1080 पिक्सल का हमें पता है और उसके बाद हमें पता है कि 1920 पिक्सल है इन हाइट में, लेकिन यहाँ पर जो डायगोनल के पिक्सल्स हैं वो हमें नहीं पता। उसको हमने फाइंड आउट किस तरह करना है, तो आपने करना कुछ नहीं है, सिंपली आपने 1080 का स्क्वायर लेना है और आपने 1920 का स्क्वायर लेना है। दोनों को स्क्वायर लेने के बाद आपने ऐड कर लेना है और इनका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पर आपके पास राउंड अबाउट 2000 के करीब आपके पास वैल्यू आएगी, यानी 2000 पिक्सल जो है अप्रॉक्सीमेट आपके डायगोनल के ऊपर भी आ रहे हैं। अब आपके स्मार्टफोन की जो स्क्रीन होगी लाइक 5.5 इंचेस है तो आप इसको डिवाइड कर दें इसके साथ, यानी 2000 पिक्सल्स जो आपके अप्रॉक्सीमेट आ रहे हैं उनको आप डिवाइड करते हैं, 5.5 इंचेस की स्क्रीन है तो आप 5.5 से डिवाइड करते हैं, सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा, पीपीआई के अंदर आ जाएगी, यानी पिक्सल पर इंच आपके पास निकल कर आ जाएगा और वो होगा अराउंड 400 के आसपास। तो यहां पर अब आपके पास ये आ गया पिक्सल्स पर इंच क्या है। तो यार यहां पर अब बात कर लेते हैं कि पीपीआई तो हमें समझ में आ गया कि ये पीपीआई क्या होता है, अब ये पीपीआई अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है और कौन सा बेस्ट होता है। तो यहां पर कुछ स्मार्टफोन्स ऐसे भी हैं जो कि आपको अराउंड 800 ppi तक सपोर्ट करते हैं, यानी कि इतना ज्यादा हाई रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं सोनी के स्मार्टफोन्स हैं। लेकिन उसके बाद 600 पे भी आपको कुछ स्मार्टफोन मिलते हैं, 400 ppi पे भी मिलते हैं, 300 पे भी मिलते हैं, 200 पे भी मिलते हैं, या लाइक 280 270 के आसपास भी आपको मिलते हैं। लेकिन जो बेस्ट है वो यहां से 320 से लेके 450 तक जो है वो एक बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। 320 से लेके 450 ppi तक जितने भी स्मार्टफोन आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं मेरे ख्याल से इट्स ओके, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहां पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत
नहीं है क्योंकि काफी अच्छा रेजोल्यूशन है ये भी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेजोल्यूशन क्या है, मेगापिक्सल्स क्या है, पिक्सल्स क्या है, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो चुकी हैं। तो यार उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो लाइक लाजमी करना और ये वीडियो दोस्तों से लाजमी शेयर करना। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।